हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मेरे पास ये ब्रोदर प्रिंटर है। आज मैं आपको इसमें क्लीनिंग करके बताऊंगा। होता क्या है, जब आप जेरॉक्स करते हैं तो उसमें ब्लैंक लाइनिंग आ जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ ये ट्रिक कैसे ठीक करते हैं, इसको स्पेशल क्लीनिंग कैसे किया जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए। देख सकते हैं ये मेरा ब्रोदर प्रिंटर है, ठीक है। ब्रोदर प्रिंटर, इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं DCP-T420W, ठीक है। ये ब्रोदर कंपनी का है। और इसमें होता क्या है कि जब मैं इसमें जेरॉक्स करता हूँ तो आपका इस तरह का आता है। जैसे ये कैसे लाइनिंग छोड़ दिया है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही जेरॉक्स होता है मेरा, ठीक है। इसको कैसे ठीक करते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें जो सॉल्यूशन है आपको यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नॉर्मल क्लीनिंग होता है, ठीक है। नॉर्मल क्लीनिंग करेंगे, नॉर्मल क्लीनिंग कैसे किया जाता है तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्टॉप और कॉपी शॉर्टकट। स्टॉप बटन यहाँ है, देख सकते हैं ये स्टॉप बटन है, ठीक है। ये आपका स्टॉप बटन है, ये आपका कॉपी शॉर्टकट है। तो यही यहाँ बोल रहा है कि स्टॉप और कॉपी शॉर्टकट दबाना है आपको, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद द लिंक LED स्टार्ट ब्लिंकिंग, मतलब ये जो LED है ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अगर आपको टू क्लीन ऑल फोर कलर प्रेस कलर स्टार्ट, मतलब आपको अगर कलर में दिक्कत होता है, कलर आप जब करते हैं तो आपका कलर अगर इस तरह छोड़ रहा है तो आपको बोल रहा है यहाँ पर कि कलर स्टार्ट दबाना। जैसे ये मोनो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये कलर है, तो आपको कलर दबाने बोल रहा है, ठीक है। अगर आपका फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू क्लीन ब्लैक ओनली प्रेस मोनो स्टार्ट आफ्टर द क्लीनिंग द मशीन प्रिंट द प्रिंट क्वालिटी चेक सीट, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ मतलब ऐसा ऐसा आ रहा है, छोड़ छोड़ के आ रहा है, तो आप सिर्फ मोनो स्टार्ट दबाइए, ठीक है। मोनो ये आ गया मोनो, तो मोनो आपको दबाने बोल रहा है, ठीक है। होगा क्या कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट में अगर सिर्फ दिक्कत है तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट ठीक हो जाएगा। अगर आपका कलर में दिक्कत है तो आप ये कलर बटन दबा सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में दिक्कत है तो ये दबाइएगा, कलर में दिक्कत है तो ये दबाइएगा, ठीक है। यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, मुझे तो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में दिक्कत है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जब भी मैं जेस करता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा लाइनिंग आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ठीक करता हूँ। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप और कॉपी शॉर्टकट दबाना एक साथ बोल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सामने मैं करूँगा, देखिए अभी ये नॉर्मल मोड है, ये आपको जेरॉक्स करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसको स्टॉप और कॉपी शॉर्टकट बटन एक साथ दबाना है, देख सकते हैं आपको ध्यान देना होगा, दोनों को एक साथ दबाना है। 5 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, छोड़ दिए। अब देखिए ये लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बोला हुआ है कि द लिंक LED स्टार्ट ब्लिंकिंग, तो ये आपका देखिए LED ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोल रहा है मोनो, देख सकते हैं यहाँ पर भी बोला है कि आपको मोनो स्टार्ट अगर दिक्कत है तो मोनो स्टार्ट दबाइए, कलर वाला दिक्कत है तो कलर दबाइए, ठीक है। ये मेरा मोनो में दिक्कत है, तो मैं मोनो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दिक्कत है, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट में दबा के रखूँगा 4-5 सेकंड, ठीक है। देख सकते हैं इसको भी 4-5 सेकंड दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। छोड़ देना है, ठीक है। को एक बार दबा के छोड़ना। अब देख सकते हैं आपका ये मशीन है, ये आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये आपका स्कैनिंग हो रहा है, मतलब ये आपका स्कैन होके पूरी तरह से इसको ठीक करेगा, ठीक है। इंटरनल जो इसका प्रोसेस होता है अंदर में वो ये कर रहा है अपना, ठीक है। आवाज़ सुन सकते हैं आप, आवाज़ अभी बंद हो गया, ये आपको थोड़ा देर में आपका वो आपका प्रिंटर पर डिपेंड करता है कितना देर में ये ठीक होगा, ठीक है। तो मेरा प्रिंटर कम से कम 5 से 10 मिनट शायद ले सकता है, देख सकते हैं कितना लेट लगता है। आपके सामने ही सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो स्किप नहीं करूंगा मैं। आवाज सुन सकते हैं आप,
देख सकते हैं प्रिंट आउट निकल रहा है। देख सकते हैं ये हो गया है आपका, ये नॉर्मल क्लीनिंग तैयार हो गया। देख सकते हैं ये सभी लाइनिंग जो मेरा है प्रॉपर है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक वाला लाइनिंग एकदम प्रॉपर है। जा लाइन कट गया, एक मिनट। देख सकते हो ब्लैक वाला लाइनिंग मेरा एकदम प्रॉपर है, और कलर इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने कलर नहीं किया है। जैसे कि मैंने कलर स्कैनिंग मतलब कलर को मैंने क्लीनिंग नहीं किया, इसलिए कलर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, ठीक है। अगर मैं कलर और मतलब ये मोनो और कलर दोनों एक साथ दबाता तो मेरा प्रॉपर ये क्लीनिंग हो जाता, टोटल लाइनिंग एकदम परफेक्ट होता, ठीक है। इसलिए ये कलर इसलिए छोड़ा है कि सिर्फ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है, इसलिए कलर अच्छा से ये नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।